हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फ्रिज का। सुन दोस्तों, आज हम सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। तो दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। दोस्तों देखो, आप सभी लोगों से दोस्तों DRDO MTS की जो वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म फिलअप किया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उसमें से कई लोग जो है वो 10th पास है और हाल ही में जो दोस्तों उनको जो 10th पास किए वो ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कई कैंडिडेट जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हमसे ऊपर ये जो ग्रेजुएशन वाले हैं इनसे हम कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी और आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको जो DRDO MTS में जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, अगर आप 10th अच्छे से किए हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप DRDO MTS 100% निकाल लोगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा इस वीडियो को पूरा, और दोस्तों हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, हमने आप सभी के लिए जनरल अवेयरनेस का जो 22 वीडियो करा चुका हूँ, दोस्तों अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो दोस्तों आप जाओ, वो सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सोवेल दोस्तों देखो, आप लोगों में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों ने जो DRDO का फॉर्म भरा होगा, DRDO MTS का, वो मैक्सिमम लोगों ने जो 10th बेस्ट पर भरा होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है DRDO MTS की जो एग्ज़ाम है उसे कैसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आपको क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर दोस्तों आपने 10th ही मात्र 10th क्लास आपने जो है 8th, 9th, 10th अच्छे से किया है तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप 100% इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। 8th, 9th, 10th अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 100% निकाल सकते हो दोस्तों। अगर और उसके बाद दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, अगर आप जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, करंट अफेयर पढ़ते हो तो दोस्तों मैं तो आपको 100% कह सकता हूँ कि आप निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पेपर DRDO MTS में बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको कुछ दिन को जो अगला वीडियो डालूंगा 2-3 दिन बाद, ठीक है। तो दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं DRDO MTS में। और दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहोगे तो दोस्तों कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो आप खुद ही कहो कि ये कैसा क्वेश्चन है, इतना ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 10th मात्र अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो दोस्तों आप 100% DRDO MTS को निकाल सकते हैं। इसमें जो है आपको कोई ज़्यादा जो है वो हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ऑब्वियसली एक क्वेश्चन हर कैंडिडेट जो लोग भी ये DRDO MTS के जो फॉर्म को भर रहे हैं 10th बेस्ट पर, उनके मन में ऑफकोर्स एक डाउट रहता है कि हम जो है ग्रेजुएशन वालों से कैसे कम्पीट करेंगे, यानी कि हमसे आगे जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो वहीं तो इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, यानी कि जो BA है, BA वाले हैं, BSc वाले हैं, BTech वाले हैं, वो तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अगर आपके मन में भी ऐसा ख्याल है तो दोस्तों आप गलत हो, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है, जो क्योंकि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 10th बेस्ड पे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों, 10th बेस्ड। और दोस्तों, अगर आपने मैं आपको तो फिर से बता रहा हूँ, 8, 9, 10 अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया हो तो दोस्तों आपके लिए ग्रेजुएशन यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप ग्रेजुएशन वालों को भी पीछा करके आप जो है आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हो और अच्छे रैंक भी ला सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन को दबाकर आप अपने चैनल को अभी से भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना कि दोस्तों अगर हम 10th पास हैं तो, और जो हमसे ऊपर सीनियर यानी कि जो बी ग्रेजुएशन यानी कि BA BTech वाले हैं, MTech या और BSc वाले, वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। दोस्तों देखो, अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, तो दोस्तों अगर उसने ग्रेजुएशन पर सिर्फ फोकस किया हुआ है और दोस्तों उसको जो है पास्ट की कुछ चीज़ें याद नहीं रहती यानी कि 10th और 12th की, तो दोस्तों वो तो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप जो है 8, 9, 10th अगर आप रेगुलर बेसिस पर अच्छे से पढ़ाई किए हो तो दोस्तों आप जो 100% मैं आपको बता सकता हूँ इस एग्ज़ाम को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताऊँगा कि DRDO MTS में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर आपको जो है किसका क्वेश्चन चाहिए, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चाहिए या फिर रीजनिंग का या फिर जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो दोस्तों, कमेंट करके बता देना कि आपको जो है MTS में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के, किस आपके जो सेक्शन से चाहिए, जैसे कि दोस्तों जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो दोस्तों, जो लोग वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके बता देना।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहीं जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। और दोस्तों रही बात हमारे प्रीवियस वीडियो की, दोस्तों दोस्तों देखो हमने आप सभी के लिए जनरल अवेयरनेस का 22 वीडियो करा चुका हूँ, प्लस में दोस्तों आपको रीजनिंग से रीजनिंग के टॉपिक पर 10 से लेकर के 12 वीडियो रीजनिंग के टॉपिक पर मिल जाएगी। अगर अगर दोस्तों आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप हम चैनल पर जाओ, वो वापस आपको जो सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगी। नहीं तो दोस्तों आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें भी जाओ दोस्तों, उसमें आपको जो है तीनों सेक्शन के वीडियो जो है अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जाओ और लिंक पर क्लिक करो और साथ ही साथ जो है उस सारी वीडियो को देखो। और दोस्तों अगर आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप दोस्तों वहां से भी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो दोस्तों चलिए यहीं पर वीडियो को खत्म कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।